हाय, दिस इज शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को बजाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इंटरनेट वाला लव शो के बाद कवर के पास दो और प्रोजेक्ट्स थे, पर दोनों ही प्रोजेक्ट्स उनके किसी काम के नहीं रहे। दरअसल वो अपने किसी फ्रेंड के घर ट्रैम्पोलिन यूज कर रहे थे और उसी दौरान एक एक्सीडेंट हुआ और सीरियस नी इंजरी हो जाने की वजह से उन्हें लंबे टाइम तक घर पर ही रहना पड़ा। तब ना तो वो कोई एक्सरसाइज कर सकते थे और ना ही कोई वर्क असाइनमेंट एक्सेप्ट कर पाए और ऑलमोस्ट 4 वीक्स तक उन्हें बेड रेस्ट पर ही रहना पड़ा। फिर मार्च 2020 में रिकवर हो जाने के बाद लॉकडाउन लग गया और लंबा समय ही खिंच गया और ऑलमोस्ट 2 साल बाद उन्हें पांड्या स्कूल में काम करने का मौका मिल सका। अपनी रिकवरी के बाद से ही वो अपने लास्ट शो जैसा कोई रोल रिपीट नहीं करना चाहते थे। इंटरनेट वाला लव में उन्होंने एक एंटागोनिस्ट का रोल प्ले किया था और कवर मानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा ही देखा जाता रहा है कि एक्टर यदि कोई सर्टेन रोल अच्छे से कर लेता है तो मेकर्स उसे ये सोचकर सिमिलर रोल्स ही देते जाते हैं कि वो ये रोल ही ज्यादा बेटर करेगा और एक्टर्स की लाइफ में फिर एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ नहीं बचता। और इसीलिए जब कवर को पांड्या स्टोर में शिवा का रोल मिला तो उन्होंने इस गुजराती रोल को इंस्टेंट हाँ कर दी और कुछ वर्कशॉप्स भी अटेंड की। कवर कभी भी अपने शब्दों को दबाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि अपने व्यूज को लेकर वो हमेशा ही वोकल रहे हैं। वो बताते हैं कि सभी को लगता है कि टीवी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है, पर सच तो ये है कि यहाँ फेवरेटिज्म है। इस इंडस्ट्री में कुछ लीड फेसेस को लगातार रोल दिया जाता है और बाद में उन्हें ही रियलिटी शोज में कास्ट कर लिया जाता है, और इसलिए ही कवर कहते हैं कि बॉलीवुड में यदि नेपोटिज्म है तो इस इंडस्ट्री में अनप्रोफेशनलिज्म और फेवरेटिज्म है। कई बार उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि टीवी शोज में साइन कर लिए जाने के बाद उन्हें बिना किसी वजह से शो से रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ तक कि पैरेलल या सपोर्टिंग रोल प्ले करने पर उन्हें वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जैसा लीड एक्टर्स को मिलता है। इतना कुछ गलत होने पर भी कवर दिल के इतने अच्छे इंसान रहे हैं कि उनके हर को स्टार उनकी तारीफ करते नहीं थकते। क्या कहते हैं कवर के को स्टार्स उनके लिए और कैसे यहाँ तक का सफर कवर ने खुद तय किया, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। थोड़ी सी अलमारी तो सर। तू सुधर जा शिवा, सुधर जा। कवर ढिल्लो का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई महाराष्ट्र की एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके फादर दीप ढिल्लोन अपने टाइम के ग्रेटेस्ट एक्टर माने जाते थे और अपने फादर से इंस्पिरेशन लेकर ही कवर ने एक्टिंग में करियर बनाने का डिसीजन लिया। कवर की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई भी है, करण ढिल्लोन। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ मास मीडिया में मुंबई महाराष्ट्र से कम्प्लीट की, जिसके बाद टेलीविजन में अपना करियर बनाने से पहले 2013 में उन्होंने किशोर नमित एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स किया। कवर अपने स्कूल डेज से ही काफी एथलेटिक रहे हैं और उनका स्पोर्ट्स की तरफ इस तरह का झुकाव था कि यदि वो एक्टर ना रहे होते तो डेफिनेटली आज एक स्पोर्ट्स पर्सन होते, पर क्योंकि उन्हें बचपन से एक्टिंग में करियर बनाने का सपना था तो इसी फील्ड को उन्होंने एज अ करियर चूज किया। कवर ने जब अपने पेरेंट्स को अपने सपने के बारे में बताया था तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें काफी सपोर्ट किया, बट फिर उनके फादर ने उनसे ये कहा कि घर से बाहर जाओ, अपने स्टडीज के साथ अपने ऑडिशंस मैनेज करो और खुद अपने लक को ट्राई करो, पर मेरी तरफ हेल्प के लिए मत देखना। और 18 की एज से ही कवर ने ये सब खुद ब खुद करना स्टार्ट कर दिया और वो अपने दम पर ही सब कुछ अचीव करने में भी कामयाब रहे। 2013 से कवर के एक्टिंग करियर की मेजर शुरुआत हुई थी और तभी से उन्होंने बैक टू बैक कई शोज किए। फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करते टाइम भी कवर बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे, बल्कि हर दिन शूटिंग सेट्स पर जाना, हर दिन नया सीखने के लिए वो एक्साइटेड रहते थे। वो कहते हैं कि बचपन से ही कैमरा उनका फ्रेंड ही रहा है और वो कभी कैमरा कॉन्शियस नहीं रहे। वो सभी के बर्थडे पार्टी वीडियोस से लेकर डिफरेंट ओकेजन्स तक कैमरा के सामने डायलॉग बाजी किया करते थे और तभी से उनमें इस अमाउंट का कॉन्फिडेंस देखा जाता था और वो मानते हैं कि उनका ये कॉन्फिडेंस जेनेटिक है। चैनल वी के द बडी प्रोजेक्ट में कुणाल का एंटागोनिस्ट किरदार निभाने के बाद उन्हें ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा में भी एक नेगेटिव रोल में देखा गया। इसके बाद 2013 में दो दिल एक जान में उन्होंने विधान नायक का लीड रोल प्ले किया था, जिसकी स्टोरी एक कश्मीरी लड़की पर बेस्ड थी जो मुंबई आकर एक गैंगस्टर के प्यार में पड़ जाती है। कवर को इस शो से काफी पहचान मिलने लगी और वो एक आस्था एसीबी में शिव और पीआर अंग्रेज में अर्जुन सिंह के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिए गए। एक आस्था एसीबी शो के दौरान शो के लीड एक्टर्स टीना फिलिप और कवर ढिल्लोन को एक नियर डेथ इंसिडेंट का सामना करना पड़ा। दरअसल फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान एक लेक सीन शूट किया जाना था, जो लेक हमेशा से ही एक्सीडेंट्स के लिए फेमस रहा है। जैसे ही वो लेक में उतरे तभी उनके नीचे की मिट्टी सिंक होने लगी और दोनों का ही बैलेंस बिगड़ गया। टीना को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती थी और कवर थोड़ी बहुत स्विमिंग जानते थे और इसलिए उन्होंने टीना को संभाल लिया। बाद में शो के
क्रू मेंबर्स ने दोनों को सही टाइम पर खींचकर बाहर निकाल लिया। एक्टर बतौर कवर हमेशा से काम को लेकर ग्रीडी रहे थे और उन्हें इंटरनेट वाला लव में भी नेगेटिव किरदार निभाना पड़ा तो वो काफी बोर हो गए और इसलिए ही उन्होंने अब नेगेटिव रोल्स अवॉइड करने का फैसला लिया है। कवर का मानना है कि टेलीविजन इंडस्ट्री में रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिल पाता है और जैसे ही उन्होंने अपने रीसेंट शो पांड्या स्टोर का तमिल वर्जन देखकर अपने कैरेक्टर को देखा तो उन्हें शिवा का रोल इतना एक्साइट कर दिया कि उन्होंने एक बार में इसके लिए हाँ कर दिया। कवर कहते हैं कि वो यहाँ नेगेटिव रोल्स प्ले करने नहीं आए हैं बल्कि हीरो बनने आए हैं। शो में शिवा और रावी की ऑन स्क्रीन नोक झोंक वाली केमिस्ट्री सभी को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, जिसका रीजन कवर बताते हैं कि वो ऑफ स्क्रीन एलिस कौशिक के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं और इसी वजह से ऑन स्क्रीन भी वो टशन दिखा पाते हैं और इसलिए उनके आर्ग्यूमेंट्स और फन फाइट्स इतनी पॉपुलर हो गई। पर केवल एलिस ही नहीं, कवर हमेशा से ही काफी अच्छी को स्टार रहे हैं। इंटरनेट वाला लव में उनकी को स्टार रही तुनिशा शर्मा ने बताया कि वो अपने फादर की डेथ के बाद काफी टाइम से डिप्रेशन और एंग्जाइटी इश्यूज से गुजर रही थी और ऐसे में कवर ने उन्हें उस टाइम सपोर्ट दिया जब उन्हें सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इतना ही नहीं, कवर ही उनकी लाइफ में वो पहले इंसान थे जिन्होंने उनसे उनके डिप्रेशन के बारे में बात की और कभी उन्हें जज नहीं किया। तुनिशा के अलावा हम है नामे कवर की को स्टार रही प्रत्युषा बनर्जी ने भी कवर के लिए ये कहा था कि वो एक बहुत अच्छे काउंसलर है और वो सेट्स पर उस आंटी की तरह है जिनसे हर कोई अपना दुख दर्द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहता है और उनकी इसी क्वालिटी की वजह से वो हर बार एक अच्छे को स्टार साबित होते रहे हैं। इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स के अलावा 2013 में इस इंडस्ट्री में आते के साथ ही कवर ने यंग अचीवर्स अवार्ड भी अपने नाम कर लिया था। उनके फादर दीप ढिल्लों, जो कवर की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, उन्होंने कभी अपने बेटे को हाथों में सब कुछ परोसकर नहीं दिया बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने पर फोकस किया और इसीलिए उनके फादर एक प्राउड फादर हैं। पर उनके फादर ही नहीं बल्कि कवर खुद भी सब कुछ हार्ड वे में ही सीखना चाहते थे और इसलिए उन्हें अपने सारे अचीवमेंट्स पर और खुद पर आज बहुत प्राउड है। कवर कुछ हद तक सेल्फ क्रिटिकल कहे जा सकते हैं लेकिन जहां उनका क्रिटिसिज्म उन्हें ही दिक्कत देने लग जाता है तो वो वहीं रुक जाते हैं। लास्टली, कवर मानते हैं कि वो कंटेंट को ज्यादा वैल्यू देते थे और देते रहेंगे। सिर्फ 70 मिलीमीटर स्क्रीन पर दिखाई देने के लिए आजकल लोग किसी भी मूवी में काम कर लेते हैं, पर वो इस तरह का कोई स्टेप जल्दबाजी में नहीं लेंगे। और जो लोग ये कहा करते हैं कि एक एक्टर की लाइफ बहुत ईजी होती है, वो उनसे ये कहना चाहते हैं कि भले ही सारा अटेंशन और लाइमलाइट एक एक्टर को ही मिलती है, पर इसके पीछे 12 घंटे लगातार 25 दिनों तक मेंटली एंड फिजिकली इन्वेस्ट करने के बाद ही कुछ मिल पाता है। एक्टर्स को शूटिंग के बाद जिम भी जाना होता है, स्क्रीन पर फ्रेश दिखने के लिए टाइम पर सोना भी पड़ता है और प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी पड़ती है। बट कवर हमेशा से ही ऐसी लाइफ पसंद करते रहे हैं इसलिए उन्हें अपनी लाइफ बहुत पसंद है। तो कैसी लगी हमारे अचीवर और काउंसलर कवर ढिल्लों की ये लाइफ स्टोरी, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना और अपनी नेक्स्ट वीडियो रिक्वेस्ट भी। और यदि ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से कर दो चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। Fuck it.